बुर्ज खलीफा असल में बर्जेश्वर मंदिर था, और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार तो विष्णु स्तंभ था, और गूगल, गूगल का असल नाम तो गोपाल है, आपको पता नहीं है। और बिरयानी, बिरयानी को तो मुगलों ने अगवा किया और उसका नाम बदल दिया, वरना बिरयानी का असल नाम बीरा रानी था, वो एक हिंदू पकवान था। शायद आपको पता ना हो कि ताजमहल का असल नाम तेजो महाले है, तेजो महाले। अरे ऐसा कह रहे हैं, अंधभक्तों का ये कहना है। दुनिया नहीं जानती है कि किसकी औकात ताजमहल बनाने की है और किसकी औकात शौचालय बनाने की है। क्या आपके नाम बदल देने से असलियत बदल जाएगी? नाम बदलने से असलियत बदलती है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सारे देवी देवता मस्जिदों से ही क्यों निकलते हैं। कभी बाबरी मस्जिद के नीचे से राम निकल जाते हैं, तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे से शिवलिंगा निकल जाता है, है ना, अजीब बात। हिंदू देवी देवताओं को मुसलमानों की घर बहुत पसंद है, मुसलमानों की मस्जिदें बड़ी पसंद हैं। आज तक किसी एक भी हिंदू के घर से या किसी हिंदू मंदिर से कोई देवी देवता प्रकट नहीं हुआ, बल्कि जितने भी इनके देवी देवता निकलते हैं वो या तो मस्जिदों से निकलते हैं या मुसलमानों के घरों से निकलते हैं, है ना अजीब बात। बल्कि मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम्हारे देवी देवता मस्जिद के नीचे क्या कर रहे थे भाई? नमाज पढ़ने आए थे या अल्लाह की इबादत करने आए थे? ये इतनी जलील कौम है, ये इतनी जलील कौम है कि इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए इनसे बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है।